आज हम लोग देखने जा रहे हैं। क्लोज्ड है एंट्री भी। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। हियर इज योर फ्रेंड दीपक। तो गाइज, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या FDR। व्हाट इज FDR? मैं आपको बताता हूँ, फुल ड्रेस रिहर्सल। सो गाइज, फुल ड्रेस रिहर्सल होने वाली है। जनवरी का मंथ हो, 26 जनवरी का टाइम चल रहा हो और हम दिल्ली में रहते हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम परेड की रिहर्सल ना देखें या फिर ऑफिशियल परेड ना देखें? तो गाइज, आज अपने देश का गौरव, अपने आर्म्ड फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स, तो आज वो अपना जो भी मतलब शक्ति प्रदर्शन करने वाली है, तो उसको लाइव अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो और कंटिन्यू करते हैं अपने। जय हिंद। तो गाइज, अभी तो हमने सोचा था कि पटियाला हाउस का टोकन लेके मतलब वहां जाकर इंडिया गेट पहुंचते डायरेक्ट, बट ऐसा है ना, वहां पर एंट्री और एग्जिट दोनों ही ऑफ हो रखा है। तो गाइस, 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ये हो रहा है, तो इट मींस ये है कि आज से 74 इयर्स पहले मतलब 1950 में 26th जनवरी को फर्स्ट टाइम परेड निकली, जब हमारे प्रेसिडेंट उस टाइम पे फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे, और 1950 में फर्स्ट परेड निकली थी, इसका मतलब ये है। और 1949 26th नवंबर को, जो कि बच्चा प्राइमरी स्कूल का भी जानता होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, तो इसी खुशी में ये सब सेलिब्रेट होता है और शक्ति प्रदर्शन होता है। अगर आपको ऑफिशियल परेड 26 जनवरी सेलिब्रेशन में आपको पार्टिसिपेट करना, शामिल होना है, तो आप पता है इसके लिए क्या कर सकते हो, पास इश्यू करवाना पड़ेगा। पास बनते हैं दो तीन तरीके के, VVIP, VIP, तो आप उससे बनवा सकते हो, इश्यू करवा सकते हो, ऑनलाइन मोड से और ऑफलाइन मोड से। तो ऑनलाइन मोड में आपको नॉर्मल कुछ नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होते हैं पास के, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा पास इश्यू करवा रहे हो। आपको कुछ नहीं चाहिए, एक वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए, आप ऑनलाइन मोड से उसको इश्यू करवा सकते हो, या फिर आपको अगर ऑफलाइन मोड से इश्यू करवाना है तो आप डिफरेंट डिफरेंट काउंटर्स बने होते हैं, लाइक इंडिया गेट पे है, रेड फोर्ट पे, आप वहां पर जाकर अपने पास इश्यू करवा सकते हो और एनक्लोजर से और आराम से आप वहां पर देख सकते हो सेलिब्रेशन 26 जनवरी।
का आपके समक्ष विश्व में एक साथ ऐसा बैंड है और इसका नाम रिव्यूज तो लोगों के बनते हैं, मेरी बात तो आपको बिलीव ना हो भाई। एक मिनट आपसे कुछ बात पूछना, मैं ब्लॉग बना रहा था अपना। तो आपने यहाँ पर परेड देखी, अभी रिहर्सल चल रही थी? हाँ भाई देखी थी। मतलब आपको कैसा लगा भाई? बहुत सही लगा भाई, बढ़िया फीलिंग आ रही थी, पैट्रियोटिक वाली। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपको लाइव देखना हो टीवी पे या ऑफलाइन मोड पे देखना हो ऐसे लाइव परेड, तो भाई ऑफलाइन देखने में फायदा ऑब्वियसली बात है भाई, ऑनलाइन में क्या ही है, टीवी भी तुम फोन में देखोगे, इतनी सी स्क्रीन पर यहाँ सामने दिखाई देंगे लोग। हाँ तो मतलब मजा आया भाई, बिल्कुल पैट्रियोटिक वाइब्स जो आती है। तो भाई वो लोग देख रहे हैं, आप इनवाइट करना चाहोगे आने के लिए? भाई आप लोग जरूर आना और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। अरे यार वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। परेड रिहर्सल देखिए, और हमारे साथ ये भाई भी हैं। तो भाई मजा आया परेड देख के रिहर्सल? भाई बहुत सही थी, मतलब काफी अच्छी, काफी परेड थी, काफी निकाली गई, मतलब क्या था। तो मतलब आपको मतलब कैसा लगा? मजा आ गया ना? काफी सही था, पेट्रियोटिक वाइब्स जो आती है, मतलब। थैंक यू सो मच भाई अपने रिव्यू के लिए। तो गाइज ये तो ऑफिशियल परेड मार्च से पहले रिहर्सल थी। तो मतलब यार मुझे रिहर्सल में इतना मजा आया, मैं इतनी देशभक्ति की भावना, पेट्रियाटिक फीलिंग में इतना डूब गया, और मतलब मैं वाकई में मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसको एक्सप्रेस कर पाऊँ मैं इस चीज़ को। तो मतलब यार आप लोग लाइव जब अपने आँखों से देखोगे ना, तो मतलब अलग ही मजा आता है, उस देशभक्ति फिल्म में डूब जाते हैं यार। मतलब भाई आप लोग आओ और इस चीज़ को एक्सप्लोर करो लाइव अपनी आँखों से। कैमरे पे इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आ सकती, मैं आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। तो मतलब आप लाइव आओ और देशभक्ति की भावना को फील करो। वाकई में लगता है यार अपना इंडिया इंडिया है भाई, गौरव है भाई। अपने आर्म्ड फोर्सेस को हम देखते हैं, एयर शो होता है वाकई में। और जब आप लोग ये चीज़ मतलब इमेजिन करो कि जब मुझे रिहर्सल में इतना मजा आ रहा है, तो गाइस यार ऑफिशियल परेड में जब आप लोग अपना पास वगैरह बनवा के और एंक्लोजर से देखोगे तो कितना मजा आएगा जब झांकियां वगैरह आती है। तो गाइस आवर्स वाइब्स को फील करो। तो गाइस यही था मेरा व्लॉग, और मैं यहाँ पर आया था और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक्स चल रहे थे पेट्रियाटिक, तो बड़ा ही अच्छी वाइब्स आ रही थी। तो आई होप आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। बड़े ही स्ट्रगल के बाद मैं आज तिलक मार्ग पहुँचा था और हमने परेड देखी और आपको भी थोड़े बहुत उसका कुछ झलक दिखाई। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मतलब लव शो करो अपने अपने भाई को, ताकि आपका भाई को सपोर्ट मिल जाएगा एक। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।